वेलकम टू कविता ए ट्यूटोरियल्स। कविता ए ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के लास्ट चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज। अब तक हमने 17 चैप्टर्स की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। आपने प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस पर क्लिक करना है। साथ में वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आपने बेल आइकन पर प्रेस करना है और कविता ए ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट वाटर रिलीज बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड। घरों से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चरल फील्ड से या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज के दौरान जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, इसे कहते हैं पोल्यूटेड वाटर, डर्टी वाटर, सीवेज वाटर या कंटामिनेटेड वाटर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, सीवेज वाटर। घरों से, बाथिंग, वॉशिंग या अदर ह्यूमन एक्टिविटीज के दौरान जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, इसे पाइप के थ्रू बाहर निकाला जाता है और एक जगह पर इसे कलेक्ट कर दिया जाता है, इसे कहते हैं सीवेज वाटर। तो सीवेज वाटर में पाइप के थ्रू निकलने वाला वेस्ट वाटर ही नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ जब बारिश होती है तो बारिश का जो वाटर होता है इसमें कई बार इम्प्यूरिटीज मिक्स होती हैं, और वाटर में जब इम्प्यूरिटीज मिक्स होती हैं इसे बोलते हैं कंटामिनेटेड वाटर। तो इस कंटामिनेटेड वाटर को भी सीवेज वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज आर। सीवेज में इनमें से कौन सी इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स या क्लोरीन एंड फ्लोरीन या अमोनिया एंड यूरिया या ऑप्शन डी, नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीवेज में कुछ इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की फॉर्म में, जबकि सीवेज में ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। फील्ड्स में हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स का, साथ में हम यूज करते हैं हर्बिसाइड्स का, इनके साथ साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वेस्ट और साथ में ह्यूमन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सभी ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज की फॉर्म में सीवेज में प्रेजेंट होती हैं। साथ में सीवेज में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स के भी आपने नाम याद रखने, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं फास्फोरस और नाइट्रोजन की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर बॉर्न डिजीज इज, इनमें से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी है, डायबिटीज, कैंसर, कोलेरा या फिर अपेंडिसाइटिस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोलेरा। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि सीवेज वाटर में बैक्टीरियास प्रेजेंट होते हैं और इन बैक्टीरिया की वजह से वाटर बॉर्न डिजीज होती है। वाटर बॉर्न डिजीज कंटामिनेटेड वाटर पीने से या फिर इम्प्योर वाटर पीने से होती है। वाटर बॉर्न डिजीज के आपने नाम याद रखने, कोलेरा और साथ में टाइफाइड, टाइफाइड भी इम्प्योर वाटर पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन, इनमें से किस ऑर्गन को जॉन्डिस अफेक्ट करता है, लंग, लिवर, हार्ट या किडनी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लिवर। जॉन्डिस अफेक्ट करता है लिवर को, और साथ में जॉन्डिस कंटामिनेटेड वाटर पीने से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक वेस्ट, इनमें से ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा नहीं है, वेजिटेबल पील्स, पेपर, डीडीटी या कॉटन क्लॉथ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डीडीटी। इनमें से वेजिटेबल पील्स, पेपर और कॉटन क्लॉथ, ये तीनों एग्जाम्पल हो गए ऑर्गेनिक वेस्ट के। ये तीनों बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आसानी से माइक्रोब्स की हेल्प से डिकम्पोज होते हैं, मतलब सड़ते गलते हैं, जबकि डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से माइक्रोब्स की हेल्प से डिकम्पोज नहीं होता है, साथ में पॉलीथीन भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WWTP, WWTP की फुल फॉर्म होती है वेस्ट वाटर ट्रेवल प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर थेरेपी प्लांट या नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या WWTP के अंडर कंटामिनेंट्स को बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू अलग किया जाता है। कंटामिनेंट्स का मतलब होता है इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल वाटर इज नॉट प्योर ऑलवेज बिकॉज, नेचुरल वाटर हमेशा प्योर नहीं होता है, क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ वाटर एक्सेप्ट रेन वाटर कंटेन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट या सॉल्ट मेक वाटर इम्प्योर या ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि सिर्फ रेन वाटर प्योर वाटर होता है, रेन वाटर में कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट नहीं होती है एसिड रेन को छोड़ के, बाकी मोस्ट ऑफ नेचुरल वाटर में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में, सॉल्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज मिक्सड इन वाटर टू, ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में मिक्स किया जाता है टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग या इट डज नॉट किल हार्मफुल जर्म्स या इट मेक वाटर मोर टेस्टी या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग पर्पस से वाटर को सेफली यूज करने के लिए वाटर में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जर्म्स को मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टॉयलेट्स यूज्ड इन एरियाज विद लिमिटेड वाटर सप्लाई
लिमिटेड वाटर सप्लाई वाले एरियाज में इनमें से किस टाइप की टॉयलेट यूज की जाती है, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स या वन पीस टॉयलेट या ग्रेविटी फ्री टॉयलेट या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। लिमिटेड वाटर सप्लाई वाले एरियाज में वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स का यूज किया जाता है और वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स में किसका यूज किया जाता है, अर्थवर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ए हाउस होल्ड गार्बेज, इनमें से हाउस होल्ड गार्बेज कौन सा नहीं है, वेजिटेबल पेल्स या दाल पैकेट्स या क्रोकरी पीसेस या काउडंग। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी काउडंग। काउडंग इज नॉट हाउस होल्ड गार्बेज। काउडंग का यूज किया जाता है मैन्यूर के रूप में सोयल को फर्टाइल करने के लिए। इट इज नॉट ए गार्बेज। वेजिटेबल पेल्स, दाल पैकेट्स, क्रोकरी पीसेस, ऑल दीज आर हाउस होल्ड गार्बेज, जिनको हम किस में डालते हैं, डस्टबिन में। इट्स ए मैन्यूर। इसका मैन्यूर के रूप में सोयल को फर्टाइल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, वेस्ट ट्रीटमेंट के प्रोसेस को कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट या पोल्यूटेंट सेपरेशन या सीवेज ट्रीटमेंट या क्लोरीनेशन। वेस्ट ट्रीटमेंट के प्रोसेस को कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इनमें से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कौन सा स्टेप यूज किया जाता है, एरेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। एरेशन प्रोसेस में एरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है, जबकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वाटर को फिल्टर किया जाता है और क्लोरीनेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैनिटेशन इन द सिटीज इज द फंक्शन ऑफ, सिटीज में सैनिटेशन का कार्य कौन करता है या फिर सफाई का काम कौन करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल पर्सन या सोसाइटीज ऑफ लोकेलिटी। सिटीज में सैनिटेशन का काम करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज सजेस्टेड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सीवेज पॉन्ड वाटर, सीवेज पॉन्ड वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सा प्लांट सजेस्ट किया जाता है, वेस्ट वाटर प्लांट या यूकेलिप्टस प्लांट या पावर प्लांट या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी यूकेलिप्टस प्लांट। यूकेलिप्टस प्लांट को सीवेज वाटर के आसपास उगाया जाता है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है सरप्लस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डस्ट, डर्ट, पोल्यूटेंट्स या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी पोल्यूटेंट्स। क्लीनिंग प्रोसेस में वाटर से पोल्यूटेंट्स या फिर कंटामिनेंट्स को अलग किया जाता है। कंटामिनेंट्स होते हैं पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल टाइप्स ऑफ टॉयलेट्स हैज बीन डिजाइंड इन एरोप्लेन्स, नेम इट। एरोप्लेन्स में स्पेशल टाइप की टॉयलेट्स डिजाइन की जाती है, इसका आपने नाम बताना है, स्क्वेट टॉयलेट्स या सैनिटेशन टॉयलेट्स या वैक्यूम टॉयलेट्स या फिर नन ऑफ ऑल। एरोप्लेन्स में यूज की जाती है वैक्यूम टॉयलेट्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वैक्यूम टॉयलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवेज is mainly a solid waste, liquid waste, gaseous waste या none of all। Sewage is mainly a liquid waste। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। जबकि वेस्ट वाटर से जो सॉलिड कलेक्ट किया जाता है इसे बोलते हैं स्लज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन इज यूज्ड इन म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू। म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन का यूज किया जाता है टू चेंज द टेस्ट ऑफ वाटर या प्रिवेंट इवेपोरेशन या किल द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स या none of all। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी किल द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स। हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारने के लिए वाटर में क्लोरीन को डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ड्रेन सिस्टम इज ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ओपन ड्रेन सिस्टम होता है खुली जगह जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, तो ओपन ड्रेन सिस्टम में इनमें से कौन सी स्पेशीज ज्यादा स्प्रेड होती है या फिर ब्रीड करती है, फ्लाइज, मॉस्किटोस या ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेस या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। और सभी ऑर्गेनिजम्स जिनसे बीमारियां होती है जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस, फ्लाइज, मॉस्किटोस, ये सभी ओपन ड्रेन सिस्टम में बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं। कभी भी हमें कूड़ा खुली जगह में नहीं फेंकना चाहिए। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है और आंसर आप कमेंट करोगे। वाटर पोल्यूटेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजेज ए नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वाटर पोल्यूट होता है और पोल्यूटेड वाटर की वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है, तो इनमें से कौन सी डिजीज वाटर से स्प्रेड नहीं होती है, कोलेरा,
टाइफाइड, अस्थमा या फिर डायसेंटी? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के लास्ट चैप्टर नंबर 18 के एमसीक्यूज। क्लास 7 साइंस की हर चैप्टर की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड करती हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अपने प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस पर क्लिक करना है। बाकी स्टडी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।